नमस्कार फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं स्पंज केक एगलेस और बहुत ही आसानी से इन गैस ओवन तंदूर, ये आप कुकर में भी बना सकते हैं, बहुत सॉफ्ट केक बनेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक बाउल, बड़ा सा बर्तन, उसमें लगभग 3 टेबलस्पून के करीब हम ले लेंगे बटर और 3 ही टेबलस्पून के करीब हम ले लेंगे रिफाइंड ऑयल, अनफ्लेवर्ड, कोई फ्लेवर वाला नहीं लेना। और आपको अगर लगता है तो ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें फ्लेवर को लेकर, बिकॉज एसेंस हम डालने वाले हैं जो कि उसे नहीं रोकेगा। तो आफ्टर दीज टू आइटम हम लेंगे शुगर, लगभग 50 ग्राम करीब पाउडर्ड शुगर है, पीसी हुई चीनी, ये हम उसमें मिला देंगे। और ये मिलाने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे जैसे आप मिक्स करते जाओगे, ये जो बटर है ये अपने आप मेल्ट होता जाएगा, क्रीमी होता जाएगा, और हमें वही क्रीमी टेक्सचर लेके आना है। तो थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा पेशेंस लगेगा, लेकिन ये हो जाएगा। आप ऐसे ही धीरे 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 मिक्स करते जाएं और ये देखिए मेल्ट होता जा रहा है, अपने आप मेल्ट होता जा रहा है और ये क्रीमी टेक्सचर आता जा रहा है। ये लगभग 1 से 2 मिनट में आपको ऐसा रिज़ल्ट मिल जाएगा अगर आप कंटिन्यू इसे मूव करते रहेंगे इस तरीके से। जी, ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया लगभग। अब इस पेस्ट में हम एक मैजिक इंग्रेडिएंट और मिलाएंगे जो कि इसके स्वाद में और 4 चांद लगा देगा केक के स्वाद में, और वो है हमारा मैजिक इंग्रेडिएंट, ये अमूल का मिठाई मेड। कोई भी ले सकते हो आप, नेस्ले का भी ले सकते हो, मतलब कंडेंस मिल्क लेना है बेसिकली, लगभग 200 से 250 ग्राम ये इसमें हम ऐड देंगे। अगेन हम इसे मिक्स करेंगे और बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा और थोड़ा लाइट भी हो जाएगा, जो पहले जो थिकनेस थी वो थोड़ी कम हो जाएगी थिकनेस, और ये बहुत ही अच्छा बन गया है। इसको हम रख देंगे साइड में। अब लेंगे लगभग 250 ग्राम, 1 ग्लास करीब दूध, रूम टेम्परेचर पर ये दूध रहेगा हमारे पास। अब इसमें हम मिलाएंगे विनेगर, विनेगर नहीं है तो आप एक लेमन भी ले सकते हैं, लेमन मिला सकते हैं, ये विनेगर है बेसिकली। तो आप चाहे तो विनेगर ले, नहीं तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं विनेगर की जगह पे। और यहाँ पे मैं लगभग 1.5 चम्मच के करीब विनेगर डाल रहा हूँ उसमें, और ये जैसे हम डालेंगे ये अपने आप फटना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसे मिक्स नहीं करना, हिलाना नहीं है अभी इस स्टेज पर, साइड में रख देंगे। और इसमें हम वाइट रोज़, मैं जो वाइट रोज़ यूज़ कर रहा हूँ, अभी वेनेला एसेंस है, वेनेला यूज़ कर सकते हैं। सेम 1.5 चम्मच के करीब मैंने डाला है, मतलब सॉरी 1 चम्मच के करीब डाला है एसेंस, और एक डालेंगे, एक छन्नी ले लेंगे, बर्तन ले लेंगे और दूध को हम रख देंगे साइड में। अब हम इसमें 1.5 कप के करीब मैदा डालेंगे, मैदा के साथ साथ लगभग 1 से 1.5 चम्मच हम बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, ये डाल के हम इसे छान लेंगे इसे अच्छे से, और अच्छे से छानने के बाद इसको भी हम साइड ले लेंगे। जो हमने स्टार्टिंग में जो हमने मिक्स बनाया था उसमें हम ये पाउडर और मतलब जो मैदा हमने मिक्स किया है वो और दूध बहुत थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ऐड करके मिक्स करते जाएंगे, सो दैट क्रम्स ना पड़े और हमारा बैटर बहुत अच्छा रेडी हो जाए। ये कंटिन्यू करते जाएंगे इसे मिक्स, जैसे जैसे ये मिक्स होगा वैसे वैसे और ठीक होता जाएगा और बहुत अच्छा होने लगेगा, बैटर रेडी हो जाएगा हमारा। थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, आप इसे मिक्स कीजिए और ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी। अब हम गैस ओवन तंदूर, ये हमारा है, इसको ये जो है ये मोल्ड है जो मैंने अभी उठाया, और ये बेस है इसका, इसके बेस में हम पानी भरेंगे और जिससे भाप मतलब मॉइस्ट रहे हमारा केक, एकदम ड्राई बेक ना हो, थोड़ा मॉइस्चर के साथ बेक हो और भी अच्छा रहेगा। अब मैं गैस को ऑन कर दिया मैंने, अभी साथ ही साथ में प्री हीट करने के लिए मैंने छोड़ दिया इसको, अभी ये प्री हीट हो चुका। अब इस मोल्ड में हमने जो बैटर बनाया है वो डालेंगे, ये गैस ओवन तंदूर बहुत ही अच्छी चीज़ है, काम की चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें आप बहुत कम
ऑयल में यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने ना कोई ऑयलिंग की है इसके मोल्ड में, ना ही कुछ भी किया। अभी ये जो मैंने आधा बैटरी यूज़ किया था और दूसरे आधे बैटरी में मैंने आप अपनी पसंदीदा कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने एप्पल ग्रीन यूज़ किया है इसमें सिंथेटिक कलर। अब एक लेयर इसकी हम ऊपर से कोटिंग करेंगे इसके साथ, इसके रिंग्स में रिंग बनाएंगे। बेसिकली मैं कुछ बनाना चाहता था, मैं एक जो शायद आप लोगों को पता हो 1 रुपये का जो सिक्का होता है उसमें गेहूं के जो साइड में गेहूं के धान के वो रहते हैं पौधे, धान ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, गेहूँ बोलते हैं, जो भी बोलते, बट उस समझ जाओ आप लोग जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बट वो डिज़ाइन बना नहीं है तो मैं डिज़ाइन में एक्सपर्ट हूँ, तो कुछ ना कुछ बना ही दिया। आप भी मेक श्योर एक्सपर्ट ही रहेंगे, और अगर आप मैरिड हैं तो ये बीवी से बच के करें, अगर आप फीमेल हैं तो आप तो फिर कलाकार हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेल हैं तो आप बच के ये सब काम करें, बिकॉज आपको ताना मिल सकता है कि मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया आपको। जी हाँ, हमेशा लड़कियां ही क्यों सुने, लड़के भी सुन सकते हैं। तो ये मैंने मेरे लिए रख दिया है और लगभग धीमी आँच में मीडियम लो फ्लेम। ये देखिए ग्लास से आप देख भी सकते हैं, कंटिन्यू देखते रहिए तो फूलता हुआ बहुत प्यारा लगता है देखते हुए। और ये देखिए मैं एक बार हटा के दिखा दे रहा हूँ आपको, कवर बहुत अच्छा बेक हो रहा है, फिर साउंड भी शायद हुआ नहीं। और ये देखिए अभी चाकू डाल के इसमें देखेंगे, ये पूरा कंप्लीट बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, इसमें कुछ भी चिपक नहीं आ रहा है, यानी हमारा ये केक रेडी है। अभी मैंने गैस को कर दिया है बंद, इसको उठा के रखा साइड में ढक्कन को। अभी एक बड़ी सी थाली है मेरे पास जो साइज़ की है, मैं उसी में निकाल रहा हूँ, और ये हमारा टैप किया और निकल के आ गया और इसको सीधा किया, तो ये देखिए हमारा बिग पाई केक रेडी है। जी हाँ, बहुत सॉफ्ट मॉइस्ट, और इसको आप फ्रिज में भी रखोगे तो भी ये अपनी ही सॉफ्टनेस के साथ रहेगा। थैंक यू सो मच, होप ये वीडियो आपको पसंद आया, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।